हेलो, आई एम खुशबू एंड वेलकम टू टेस्ट एंड टेलर्स। आज मैं आपके साथ एक पुडिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं 1 से 2 टेबलस्पून बटर, ड्राई फ्रूट, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, शुगर, इलायची, 1/4 बाउल राइस, केसर और दूध। खीरांत बनाने के लिए एक पैन में दूध गर्म कर लेंगे। दूध में जब उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसमें चावल मिला देंगे। दूध और चावल को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसे इसी तरीके से चम्मच से चलाते हुए 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि दूध और चावल हैं वो गाढ़े। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा दूध और चावल है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने मिठास के अनुसार कम या ज़्यादा कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार अच्छे से इसको फिर से मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स और केसर मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ बादाम, काजू और पिस्ता यूज़ किया है, आप अपने अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। एक बार फिर इसे चम्मच से चलाते हुए मिलाएंगे। अब इसे 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह पकाएंगे और चावल को धीरे धीरे चम्मच से प्रेस करते हुए पकाना है ताकि ये दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ मैं इसके चारों ओर घी डाल रही हूँ जिससे चावल जो है वो नीचे चिपकेगा नहीं। इसे लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए फिर से पकने दें। तो इस तरीके से आपकी खीरांत बनकर तैयार है, जिसे आप गर्म या ठंडा कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं और 1 से 2 दिन के लिए अपने फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं।